नागरटी खारी खोदणे, रोहिणीचे मजुरीचे दर निश्चित, कामाच्या वेळाही ठरल्या, एकूण आश्चर्य वाटले ना। पण हे खरं आहे, एका कॉर्पोरेट कंपनीप्रमाणे शेतमजुरांसाठी हेही नियम लागू करून शेतमजुरांना समान काम समान वेतन देण्याचे अतुलनीय कार्य गोंदिया जिल्ह्याच्या पांढरागुडी ग्रामपंचायतीने केलेला आहे। विशेष सूचना, गावातील सर्व नागरिकांना व शेतकऱ्यांना सूचित करण्यात येते की सध्या शेतीमध्ये शेतकरी धान पिकाचे रोहणे लागवड सुरू केला आहे। रोहणे लावण्याकरिता मजुरांची गरज आहे। मजुरांना केलेल्या कामाचा मोबदला कमी जास्त देण्यात येते, तसे होऊ नये करिता गावात एक समान काम व एक समान मोबदला देण्यात यावे। कामाचे नाव नागरटी चिखल करणारे मजूर 8 ते 5 साडेसात हजार रुपये महिना, खाडी खोदणारे मजूर 300 रुपये कोंडा, रोहणे लावणारे मजूर 9 ते 5.5 120 रुपये रोज। ते मजुरांनी वेळेवर कामावर जाणे, रोहणे लावणारे मजूर कामावर वेळेवर न गेल्यास 100 रुपये रोज देण्यात यावे। धन्यवाद। ह्या वर्षी ग्रामपंचायतने ठराव केला आहे की 10 वाजे 9:30 वाजे शेतात मजूर गेल्या पाहिजे, 5 वाजे सुट्टी आणि 120 रुपये रोजी ठरवली आहे। अशी आमच्या गावात कोतवालाने नोंदणी दिली आहे। आधी 110 रुपये रोजी होती गेल्या वर्षी। आधी आमच्या गावी ज्यांना जास्तच गरज असली तर ते किसान लोक मजुरांना जास्त रोजी देऊन काम रोवायला बोलवत होते, तसे आता काही गरज नाही आहे। मान काम आहे बरोबर। पंचायत के माध्यम से जाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि किस सामान से रोजी मिलती है कि नहीं मिलती, और हर गली में जा जाके प्रचार करता हूँ, दौंडी देता हूँ। आमच्या गावामध्ये निर्णय घेतला आहे की 9 वाजेपासून शेतीमध्ये जातीन, रोवाला तर 120 रुपये रोजी आणि 10 वाजे गेले त्याला 100 रुपये रोजी, याच्या पूर्वी 100 रुपये। आमच्या ग्रामपंचायतमध्ये जो ठराव घेतला आहे तो शेतकऱ्यांसाठी आणि आमच्यासाठी समान वेतन समान काम ठेवण्यात आला आहे। त्यामध्ये शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे आणि मजुरांना पण फायदा होत आहे। आम्ही ह्या निर्णयाचे स्वागत करत आहे। मजूर के लिए क्या है कि अगर 9 बजे गए तो 120 रुपया और 10 बजे गए तो 100 रुपये, ऐसा निर्णय लिए है ग्राम पंचायत ने। अगर सब अगर हर समय के लिए 12 मास अगर नौकर रहा तो उसको 7,000, पोंडा खोदने वाले को 300 रुपये। तो हाँ, इससे किसान का भी फायदा हो रहा है और मजदूरों का भी फायदा हो रहा है, और गांव में किसी का भी कुछ झगड़े वगैरह नहीं होते कि तुमने इतनी रोजी दी और उनने हमने इतनी रोजी दी। इसके पहले कोई 100 देता था, कोई 150 तक के भी दिए, हमारे गांव में किसी ने 120 तक के भी दिए हैं कि एक दिन का काम रहा तो वो बढ़ाते हैं, और हमारा तो डेली का रहता है तो हम नहीं उतना नहीं दे सकते। अब इस बार अब सबको समान वेतन मिलने वाला है, गाँव में हमारे खुशी का वातावरण है। क्या हुआ है, हर वर्ष कहीं कम ज़्यादा रोजी देते थे, रोजगार हमी का काम खुला उसमें भी समान रोजी नहीं मिलती थी, इसलिए हमने ग्राम पंचायत में एक ठहराव लिए कि भाई सबकी रोजी निश्चित किया जाए, 120 रुपये परे वाली की, 7,500 पेंड के मजूर की और 300 रुपये कुंडा, उस हिसाब से अभी सभी को किसान वही हिसाब से रोजी दे रहे, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं। पहले 100 रुपये भी देते थे, कोई 130 रुपये देते थे, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। इस बार जो हमने निर्णय किए उसी पद्धत से पूरे गाँव में सभी को वेतन दिया जा रहा है। हम पुटवाल के माध्यम से डौंडी पिटवाते और ग्राम पंचायत में नोटिस बनवा करके हर चौक चौक पे हर मोहल्ले में लगवाते, बढ़िया बहुत अच्छा है। और थोड़ा मजदूर अभी आधा घंटा पहले निकल रहे जो निर्णय के प्रयास किए, उस हिसाब से मजदूरों का टाइम हमने 9 बजे लिखे, लेकिन करीबन 9:30 बजे के करीब खेत में पहुँच जाते हैं। पहले तो 10-10:30 बजे आते थे। ये राज्य में हमारे गाँव से शुरुआत किए जा रही है और ये हर जगह शुरुआत होगी, ताकि सभी गांव में यही निर्णय रहे। और हमने सोच समझ करके मीटिंग बैठाल करके ये सब निर्णय, राज्य में ये पहला गांव है ग्राम पंचायत पांडरागुड़ी जो हमने इस तरह का निर्णय लिया। इस निर्णय से किसान भी खुश है और मजदूर भी खुश हैं।